is Jasleen 13.5. So Jasleen, let me tell you. बच्चे the question was what is email? Discuss four components of email. तो आपने यहाँ पे सिर्फ नेम लिखे हैं, डिस्कस तो किया ही नहीं. सो वहीं से ही आपके मार्क्स कट आउट हुए हैं बच्चे. सो केयरफुली, मैंने बार बार क्लास में भी बोला था, रीड द क्वेश्चन केयरफुली कि फुल फॉर्म पूछी है, डिस्क्राइब पूछा है. बहुत सारे बच्चों ने सिर्फ फुल फॉर्म लिख के छोड़ा हुआ. फुल फॉर्म लिख के छोड़ रहे हो, आगे डिस्क्राइब कर ही नहीं रहे हो. ठीक है, तो यही मेन मिस्टेक है जिसलीन आपके टेस्ट में. आपने डिस्क्राइब नहीं किया बच्चे इसको. हर्षिता फुल मार्क्स 15/15. दिशा 14.5. दिया 7 मार्क्स. आई डोंट नो व्हाट यू हैव रिटन बच्चे, सो मेनी मिस्टेक्स. 3G और 4G का डिफरेंस आपको नहीं आता. एग्जाम्पल्स ऑफ FTP आपकी यहाँ पे मिस है. देन FTP की डेफिनेशन नहीं आती है. भाविन 10 मार्क्स. SFTP बुरा हाल करा हुआ है टेस्ट में. सेम मेहुल का भी सेम यही है कि उसने डिस्क्राइब नहीं किया. लिस्ट ओनली 4 कॉम्पोनेंट्स यू हैव गिवन. एंड ओके, वन मोर क्वेश्चन आई वॉन्ट टू डिस्कस. 4 कॉम्पोनेंट्स ऑफ ईमेल क्या आना था? व्हाट आर द 4 कॉम्पोनेंट्स ऑफ ईमेल? सो मेनी स्टूडेंट्स हैव रिटन द रॉन्ग आंसर. द आंसर वॉज 2 CCC और BCC. देन अटैचमेंट, सब्जेक्ट. ठीक है, बट आई डोंट नो, यू पीपल आर राइटिंग इनबॉक्स, सेंड, ट्रैश. सो दिस इज रॉन्ग. आई थिंक ये सबने चीटिंग की हुई है. एंड वन ऑफ द सेक्शन हाफ जो पेपर्स मेरे पास रिसीव हुए थे, वो सब ने वहां पे ए सेट ही किया है. नॉट इवन अ सिंगल स्टूडेंट फ्रॉम बी सेट. नो, आई हैव गिवन द 2 सेट्स. दूसरी क्लास में ए बी और ऐसे ही आए हैं हाफ हाफ. स्मायरा 10 मार्क्स. विधि 11.5. साकेत इज नॉट इन द क्लास, ही इज फेलिंग 3.5. शांतनु पढ़ के नहीं आए थे बच्चे अब टेस्ट. 6 मार्क्स यू आर गेटिंग. पास भी नहीं हुए वो आप. बिल्कुल होपलेस शीट, कोई आंसर्स नहीं लिखे, सारा कुछ खाली छोड़ा हुआ है. आपको एग्जांपल्स नहीं पता है, आप गूगल क्रोम इंटरनेट एक्सप्लोरर लिख रहे हो. व्हाट इज दिस? दीज आर द वेब ब्राउजर्स. ये तो वेब ब्राउजर्स हैं. ईमेल और यूआरएल में आपको डिफरेंस नहीं पता. सो ट्राई टू कोप अप. सुहानी 9.5. कार्तिके 9.5. विशेष अगेन फेलिंग 4.5. शिवांश 11.5. कृष 8.5. मनीकरण 12. ऋषित 12. ऋषित आपने भी एक्सप्लेन नहीं किया बच्चे. क्वेश्चन आपने रीड ही नहीं किया हुआ अच्छे से. यू हैव जस्ट रिटन द नेम्स ओनली. क्वेश्चन वाज डिस्कस एनी 4 कंपोनेंट्स. क्वेश्चन वाज डिस्कस एनी 4 कंपोनेंट्स. टू डिस्कस मतलब यू हैव टू एक्सप्लेन. 3 मार्क्स. अगेन कृषान ने भी यही किया है, कंपोनेंट्स के नेम लिखे हैं, डिस्कस नहीं किया है. तरनदीप 11.5. सो ओवरऑल आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद द परफॉर्मेंस दैट यू हैव गिवन इन द टेस्ट. कितनी बारी हमने इंटरनेट अब तुम्हारा रिवाइज हो गया. आपको मैंने बार बार बोला है डेफिनेशंस यू हैव टू प्रॉपरली लर्न देम. एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस आप लेमैन में लिख रहे हैं बट आपको पता ही नहीं है कि आप लिख क्या रहे हैं. और अगर मैं HTML पे पार्ट पे आऊं, कोडिंग आप लोग गलत करते हो, तो फिर हम क्या करें? थ्योरी रिवाइज करें या प्रैक्टिकली करें? किसमें? अगर आप फुल फॉर्म दे रहे हैं 3G और 4G की, उसको मैं डिफरेंस नहीं कंसीडर कर रही. नो, और क्या लिखें? नो, बहुत सारे पॉइंट्स बच्चे आपको लिखवाए हैं. नो, ओके. सो नेक्स्ट रिवीजन टेस्ट इज ऑफ HTML एंड CSS. ओनली कोडिंग पार्ट. सो यू हैव टू प्रैक्टिस अलॉट फॉर द कोडिंग. एंड नाउ वी आर गोइंग टू रिवाइज सम ऑफ द क्वेश्चंस. सो यू कैन नोट इट डाउन. ओके, आई एम जस्ट गिविंग यू द ब्लैंक. सो यू हैव टू टेल मी द करेक्ट आंसर कॉरेस्पॉन्डिंग टू दैट.
each IP address, sorry, each computer connected to internet must have dash. Second, IP address consists of, so this is basically the case study type of question that is given in the sample paper. IP address consists of strings of dash. And IP address are converted into IP address are converted into dash, which term translates domain names into IP address. Next, so you have to identify the IP address from the URL. The URL is given to you, http://www.microsoft.com/home/default.asp. default.asp. And each computer connected to the internet must, kya hona chahiye? It should must have. Har computer ke paas kya hota hai? It should have unique IP address. All right, each computer connected to the internet, har computer ko internet ke upar ek assigned kya milta hai? Unique IP address. And IP address consists of strings of, kitne numbers hote hain? 4 numbers separated by dots. Nahi bolte hain, kya bolte hain? Humne wahi word use karna hai, separated by periods. Clear? So IP address consists of strings of 4 numbers separated by periods. Kaise hote hain? 132.42.15.1. ठीक है, तो हम चार बारी डॉट्स लगा के उसको सेपरेट करते हैं. आईपी एड्रेस आर कन्वर्टेड इनटू, किसमें कन्वर्ट? यस, वी आर गोइंग टू कन्वर्ट इनटू डोमेन नेम्स. व्हाई वी डू सो? यस, दैट इज इजी टू रिकॉग्नाइज. ओके, व्हिच टर्म ट्रांसलेट्स द डोमेन नेम्स इनटू द आईपी एड्रेस? कौन ट्रांसलेट करता है डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में? Who translates? That is DNS, domain name system. Domain name system. Now from the URL, you have to identify the IP address. URL is given. Identify the IP address. Isme IP address kaun sa hai? That is. हाँ जी बताओ, सही बोल रहे हो. वो तो प्रोटोकॉल है, हम आईपी एड्रेस ढूंढ रहे हैं. दैट इज microsoft.com. आईपी एड्रेस क्या होते हैं? अभी तो हमने बात करी, डोमेन नेम इज कन्वर्टेड इनटू द आईपी एड्रेस, और आईपी एड्रेस यू आर कन्वर्टेड इनटू द डोमेन नेम. दैट इज लेटर बेस्ड, दैट इज नंबर बेस्ड है, तो वो आईपी एड्रेस ही है. ठीक है, तो microsoft.com क्या है इसमें? This is the IP address, right? और HTTP क्या है इसमें? This is a protocol. WWW क्या है? Web server. ठीक है, it's a server. और जो आगे हमने दिया @home/default.there, that is a file. Clear? How to divide the parts of the URL? So one URL will be given to you. It can be asked, इसमें से file name find out करो, इसमें से server कौन सा है, इसमें से domain कौन सा है, इसमें से protocol कौन सा. So any doubt, you can note down this. Hurry up. Okay, what is a browser? Software that is used to view the web pages. How you can view the information on the web?
how you can view the information on the web. How you can view the information on the web. हाँ जी, एनी वन फ्रॉम दी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, कैसे आप इंफॉर्मेशन को व्यू करते हो? सर्चिंग इट, सर्च इंजन से तो हम इंफॉर्मेशन को सर्च करते हैं, फाइंड करते हैं, व्यू कैसे करते हैं? अभी तो डिस्कस किया आपने, खुद ही तो डेफिनेशन बताई है. किसकी हेल्प से आप अपने वेब पेजेस को, वेबसाइट्स को असेस कर पाओगे, उनको व्यू कर पाओगे? ब्राउजर्स. सो यूजिंग द ब्राउज़र. बस क्वेश्चन मैंने चेंज किया, यू आर एंड यू आर नॉट एबल टू आंसर. हाउ यू कैन व्यू द इंफॉर्मेशन ऑन अ वेब. कैसे व्यू करोगे? वेब ब्राउजर्स के साथ व्यू करेंगे. ठीक है, तो टेक्स्ट बेस्ड ब्राउजर कौन सा होता है? टेक्स्ट बेस्ड ब्राउजर, LYNX. This is a text-based browser. Okay. Next question. What was the first graphical web browser? First graphical. ये कौन सा है? LYNX. It is a text-based web browser. This is a text-based web browser. First graphical browser. What is the first graphical browser? No. ARPANET, वो तो network है. That is the network. First graphical browser is Mosaic. Note down the name. Where you are writing her, Jovan? I don't think so. So first graphical browser is Mosaic. Clear? It is okay. Which is used by the browser to connect to the location of internet resources? Listen the question carefully. Which is used by the browser to connect to the location of internet resources? The answer is URL. URL stands for test. में बहुत बच्चों ने इसकी full form गलत दी है. That is uniform resource locator. Uniform resource. What is CSS? Cascading style sheet. तीन तरह की स्टाइल शीट कौन सी है हमारे पास? Inline, internal and external. Okay, the next question is, what is web client? What do you understand by the term web client? Which sends request to the server for finding a particular kind of web pages. Request किसके लिए भेजेगा? For the websites and the web pages. And web clients usually operate in a, web clients कहाँ पे operate होते हैं? Web browsers. Web browsers request करते हैं ना, कहाँ request भेजते हैं? Web server पे. Web clients request करते हैं from the web server for any kind of resource. For example, कोई भी website, कोई भी web page. लेकिन request कहाँ भेज रहे हैं, किसके थ्रू भेज रहे हैं? Where we are working, we are web clients now. We are the clients only. And what we are using? We are using web browsers for finding any kind of page. अगर आप search engine भी operate करो, search engine भी तो browser में ही open हो रहा है. सीधा तो नहीं Google खोल लोगे, सीधा तो नहीं Yahoo open होगा. पहले क्या खोलना पड़ेगा? Chrome खोलना पड़ेगा. Chrome के अंदर जाके आप Google open करेंगे. तो Chrome is a browser, Google क्या है? Search engine. Now, what is a web server? It is not a user. It is not a user. It you can say it is a computing term or any computing that will handle the request. कौन सी request? A web related request which was sent by the web client. It will handle the web services or web related request sent by the web client.
ओके एनी फाइव एग्जांपल्स ऑफ वेब सर्वर, ये भी टेस्ट में क्वेश्चन था, यहाँ भी बहुत सारे बच्चों ने गलत किया है. तो दैट इज अपाचे वेब सर्वर और जिग्सा सर्वर इज देयर. ऑल दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ किसकी कर रहे हैं हम एग्जांपल्स, वेब सर्वर्स की. अपाचे जिग्सा वेब सर्वर इज देयर, जन सन जावा सिस्टम इज देयर और यस टॉमकैट इज देयर और लाइट क्या था पीडी, लाइट पीडी. देन आईआईएस, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईआईएस, इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्वर GWS. IIS stands for Internet Information Server. बहुत सारे हैं और भी. ओके नेम थ्री एट्रीब्यूट्स ऑफ बॉडी टैग विच इज यूज टू चेंज द लिंक कलर, द विजिटेड लिंक कलर और द एक्टिव लिंक कलर. लिंक ए लिंक एंड वी लिंक. द डिफॉल्ट कलर्स, लिंक कलर का डिफॉल्ट कलर कौन सा है, दैट इज ब्लू. वी कैन चेंज यूजिंग द लिंक, अदरवाइज डिफॉल्ट कलर इज ब्लू. ओके वी लिंक पर्पल और मे बी सम ऑफ द बुक्स विल से वायलेट. ए लिंक red. So these are the default colors that we can change using V-link, link or A-link attribute, and these three attributes are to be used inside body tag. These attributes are to be used inside body tag. What is TH? Table head, that is used to make the header cells. Clear? What are blocks? आप सीधे टाइप्स पे आ जाते हो ना. आई हैव जस्ट आस्क्ड द मीनिंग, मैंने टाइप्स तो पूछी नहीं है. इट इज लाइक अ पर्सनल डायरी एंट्री जनरल वेयर द यूजर कैन पोस्ट ऑन अ टॉपिक ऑफ हिज और हर ओन चॉइस एंड ही और शी कैन शेयर द व्यूज on the same topic that is having the same interest. Any person can comment upon that, right? Okay, group of related messages are called threads. Group of related messages are called threads. Okay, in one sample paper, the question is given for 2 marks. Write the suitable HTML code to embed audio and video in a web page. So you have to write a suitable code by which you can add the audio or video. What is the code for adding the audio or video? Kya aayega sabse pehle? Audio. Okay, audio is a tag. Then SRC, wo to image tag ka attribute hota hai. Controls. हाँ बताओ, भूल गए हो ना कंसेप्ट. फ्राइडे को टेस्ट है, वो तो सेकंड वे है उसको ऐड करने का. एम्बेड टैग से आप ऐड कर सकते हैं. क्या लगाएंगे इसके अंदर, द टैग विल बी सोर्स. सोर्स टैग का एट्रीब्यूट एसआरसी. एसआरसी के अंदर यू विल गिव अ फाइल नेम, लोकेशन पाथ कॉपी कर लेंगे. आपको पता है कॉपी कैसे करना है, राइट क्लिक करके ओपन करेंगे ब्राउजर में. यू विल गेट द यूआरएल देयर. यूआरएल को यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देना आपको, ठीक है. और क्या लगा सकते हैं, बट यू विल राइट हियर टाइप. सीएसएस में क्या देते थे हम, टेक्स्ट स्लैश सीएसएस. तो यहाँ पे क्या देंगे, इसमें टेक्स्ट तो है ही नहीं. ऑडियो, ऑडियो स्लैश जोन सी भी ऑडियो की एक्सटेंशन आप यूज कर रहे हैं. यू विल बी गिविंग अ फाइल फॉर्मेट हियर. हाँ MP3.
जो भी आपकी होगा. फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहाँ पे दिया सोर्स एस आर सी इक्वल टू 123abc.mp3, अगर mp3 दे रहे हैं तो mp3, अगर कोई और एक्सटेंशन ऑफ फाइल फॉर्मेट ले रहे हैं तो आप उसको वहां पे डिपिक्ट करेंगे. ठीक है, सो सोर्स टैग इज एम्प्टी और कंटेनर इज एम्प्टी एंड देन यू हैव टू क्लोज अ ऑडियो. कंट्रोल्स मींस आप चाहते हैं बाय डिफॉल्ट वहां पे कंट्रोल्स आए. कौन से कंट्रोल्स? स्टॉप, प्ले, पॉज. ठीक है, द सेम वे व्हेन यू हैव टू ऐड द वीडियो क्या आएगा? वीडियो कंट्रोल्स, देन यू आर गिविंग अ सोर्स हियर SRC. अगर सपोज करो आपको दो तीन इकट्ठे लगाने हैं तो आप उतनी बारी सोर्स को ऐड करेंगे, बार बार नहीं वीडियो को ओपन करेंगे. ठीक है, तो सोर्स दिया यहाँ पे, टाइप सेट करी उसकी जो भी आप टाइप देना चाहते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? वीडियो स्लैश MP4 और वट एवर दी फाइल फॉर्मेट यू आर यूजिंग हियर एंड देन यू हैव टू क्लोज द वीडियो टैब. एंड इन बिटवीन इफ यू वांट टू गिव टू वीडियोस देन अगेन यू हैव टू राइट सोर्स. अगर आप वीडियो को और ऑडियो को कहीं पे प्लेस करना चाहते हैं, यू सेंटर टैग फिर टेबल, फिर दो सेल्स बनाएंगे ना, वन रो विथ टू सेल्स. एक सेल के अंदर पहली वीडियो, सेकंड सेल के अंदर सेकंड वीडियो. अगर आप नॉर्मली वैसे कहीं पे उसको प्लेस करना चाहते हैं तो पी टैग में डाल दो. राइट साइड पे रखना है या सेंटर पे रखना है अकॉर्डिंगली. क्लियर? ओके, द डिफरेंस बिटवीन URL एंड ईमेल एड्रेस. सो अगेन दिस क्वेश्चन वॉज इन द टेस्ट बट सो मेनी मिस्टेक्स. 3 मार्क्स का क्वेश्चन था, किसी को भी 3 डिफरेंस क्लियर ही नहीं हुए कि लिखना है. तो देखो बच्चे, फर्स्ट डिफरेंस तो इतना ही कॉमन था कि आपको पता चल रहा है URL में @ सिंबल नहीं होता. लिख सकते थे ना शांतनु ये डिफरेंस, एंड इट्स अ वेरी इजी वेरी कॉमन डिफरेंस. क्यों नहीं सोचो? आप सोचो ना, URL एंड ईमेल एड्रेस. आप देखो URL में क्या है, @ सिंबल इज देयर. ईमेल एड्रेस में एलिमेंट एड्रेस कंटेन्स @ सिंबल, और URL में आप क्या देंगे? इट डज नॉट कंटेन @ सिंबल. हो जाएगा ये डिफरेंस. फिर URL की डेफिनेशन और ईमेल एड्रेस की डेफिनेशन बन जानी थी. URL क्या है? एड्रेस ऑफ वेबसाइट्स, इट इज द एड्रेस ऑफ द वेबसाइट. URL इज द एड्रेस ऑफ वेबसाइट, वेयर एज ईमेल एड्रेस इट इज एन इंटरनेट सर्विस दैट इज यूज्ड टू सेंड ईमेल्स ऑनलाइन, और यू कैन से इट इज एन अकाउंट ऑन अ मेल सर्वर. सब कुछ आपको सैंपल पेपर में गिवन है, टेस्ट ही सारा वहीं से डाला था. और आपको मैंने सैंपल पेपर भी क्लास में शो करा था कि इसको परचेज करो, प्रैक्टिस करो, स्टार्ट करने क्वेश्चंस. कोडिंग स्पेशली तो बहुत सारे क्वेश्चंस है वहां पे. सो फर्स्ट डिफरेंस क्या हो गया? कंटेन्स @ सिंबल. ईमेल एड्रेस में URL में डज नॉट कंटेन @ सिंबल. URL इज द एड्रेस ऑफ द वेबसाइट. ईमेल इज एन अकाउंट ऑन द वेब सर्वर, मेल सर्वर. थर्ड आपने एक एग्जाम्पल दे देनी थी कोई भी. फॉर एग्जाम्पल URL कोई भी दे देते, www.google.com, और उधर क्या आ जाना था? कोई भी ram@gmail.com. 3 डिफरेंस हो गए. फोर्थ डिफरेंस, URL स्टार्ट्स विद, किससे स्टार्ट किया हमने? www. वेबसाइट URL हमेशा www से स्टार्ट होता है ना. सो URL स्टार्ट्स विद www. ईमेल एड्रेस डज नॉट स्टार्ट विद www. क्लियर है? तीसरी एग्जांपल वाला डिफरेंस तो वैसे ही इजी था, वो भी नहीं बनाया आपने. सो 4 डिफरेंसेस क्लियर. हरजोबन, विल यू रिपीट ऑल द डिफरेंसेस वंस अगेन? कौन कौन से डिफरेंस मैंने बताए हैं? स्टैंड अप. पहला डिफरेंस क्या है?
यू आर नॉट लिसनिंग, नहीं ना लिसन कर रहे थे आप. वाई सो, रिविजन किसके लिए हो रही है? जो मिस्टेक्स टेस्ट में हुई है वही कॉमन क्वेश्चन में दोबारा से डिस्कस कर रही हूँ ना. देन एंड यू नो कि आपका क्या रिस्पॉन्स है टेस्ट में. बच्चे यूज योर माइंड, समझो बात को, क्या डिफरेंस है. ईमेल एड्रेस में आपको @ सिंबल दिखाई देता है, यूआरएल में दिखाई देता है. आप लिखते हैं www.google@gmail.com, लिखते हैं ऐसे, लिखते हैं. अगेन यू आर, अगर आपने कोई भी वेबसाइट का एड्रेस लिखना, हाउ यू विल राइट? फॉर एग्जाम्पल इफ आई वॉन्ट टू ओपन याहू, हाउ विल यू ओपन दैट? व्हाट विल बी द वेबसाइट फॉर दैट? कैसे ओपन करेंगे उसको, क्या एड्रेस डालेंगे यू आर एल में? हाँ, और @ से कहीं डाला इसके अंदर, कहीं पे भी आपने @ सिंबल यूज किया है तो वही तो डिफरेंस है. ईमेल में क्या है, हम @ सिंबल लगाते हैं, यूआरएल में @ सिंबल विल नॉट बी देयर. यूआरएल हम www से स्टार्ट करते हैं, ईमेल में www स्टार्ट होता ही नहीं, क्योंकि हम एक ईमेल के एड्रेस का बताते हैं एंड एड्रेस इज सेपरेटेड बाय @ सिंबल. यूआरएल क्या है, किसी भी वेबसाइट का एड्रेस है. ईमेल क्या है, एक अकाउंट है मेल सर्वर के ऊपर जो रजिस्टर किया जाता है, जो हम बनाते हैं, हम साइन इन करते हैं, साइन अप करते हैं ना, ठीक है. और एक आपने एग्जांपल दे देनी थी, कोई भी वेबसाइट और कोई भी ईमेल एड्रेस. क्लियर है?